चिल्ड्रेन इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. ओके, देर आर 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज किंगडम, सेकेंड फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिलीज, जीनस, एंड लास्ट 7 इज स्पीसीज. ओके, दीज आर द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में हाईएस्ट रैंक किसकी है, किंगडम की हाईएस्ट रैंक. किंगडम इज द हाईएस्ट रैंक एंड स्पीसीज इज द लोवेस्ट रैंक. ओके, अब हम यहां देखते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की. इट इज़ रिफर टू द सीक्वेंस ऑफ कैटेगरीज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने ये जान लिया कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कितनी होती हैं, 7 होती हैं. और टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है, हायरार्की रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस को. ये जो 7 कैटेगरीज हैं, ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं, उनका क्या सीक्वेंस होगा, वो किस सीक्वेंस में अरेंज किए जाएंगे, उसको रिप्रेजेंट करता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की. ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि जो किंगडम होता है, किंगडम इज़ द हाईएस्ट रैंक इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की एंड स्पीसीज इज द लोवेस्ट रैंक इन द टैक्सोनॉमिक हायरार्की. इस फिगर में आप देख सकते हैं ये फर्स्ट रैंक है किंगडम का. किंगडम इज द हाईएस्ट रैंक, हाईएस्ट रैंक ये रिप्रेजेंट कर रहा है किंगडम. और इसमें आप देखें ये सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक है, फोर्थ रैंक है, फिफ्थ रैंक है, सिक्स्थ रैंक है, और सब सेवेंथ रैंक है. मतलब मींस लोवेस्ट रैंक किसका है टैक्सोनॉमिक हायरार्की में, लोवेस्ट रैंक किसका होता है, स्पीसीज का होता है. ठीक है, तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की ये किसको रेफर कर रहा है, सीक्वेंस को. ठीक है, कि 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी का टैक्सोनॉमिक हायरार्की में क्या सीक्वेंस होगा. ओके, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. इट इज़ रिफर्ड टू द सीक्वेंस ऑफ कैटेगरीज. कैटेगरीज मीन्स वही 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज से मतलब इसका, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर. आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं. जैसे देखिए यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये है, फर्स्ट रैंक है, फिर सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ, सेवन्थ रैंक, लास्ट सेवन्थ रैंक, डिक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, आप इसको यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं. आप स्पीसीज को फर्स्ट रैंक, इसको उलट सकते हैं, आप इसको उलट के भी लिख सकते हैं. स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम. ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है. ओके, अब यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग थ्री डोमेन सिस्टम की. थ्री डोमेन सिस्टम क्या है, इट इज़ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस बाई कार्ल ओइस इन 99. ही डिवाइडेड सेलुलर लाइफ फॉर्म्स इंटू थ्री डोमेन. कार्ल ओइस ने जो सेलुलर लाइफ है उसको थ्री डोमेन्स में डिवाइड किया था, आर्की, बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट. ठीक है, ये थ्री डोमेन है. तो कार्ल ओइस ने 8 कैटेगरीज की बात की, 8 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात की उन्होंने. और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी कैटेगरीज हैं, 7 कैटेगरीज हैं, 1-7 कैटेगरीज. लेकिन कार्ल ओइस ने एक 8 कैटेगरी की बात करी है, और वो 8 कैटेगरी क्या होती है, किंगडम के ऊपर होता है ये डोमेन. ये यहाँ पे डोमेन लिखा हुआ है, किंगडम के ऊपर होता है ये. आप इसको सुपर किंगडम भी कह सकते हैं. ओके, ये किंगडम है तो किंगडम के ऊपर आता है डोमेन. मतलब ये डोमेन का हाईएस्ट रैंक होता है. डोमेन हाईएस्ट रैंक होगा, उसके बाद सेकंड रैंक किंगडम, थर्ड रैंक फाइलम, फोर्थ रैंक क्लास, फिफ्थ रैंक ऑर्डर, सिक्स्थ रैंक होगा फैमिली का, सेवन्थ रैंक होगा जीनस का, और
एट रैंक होगा स्पीसीज का अकॉर्डिंग टू द थ्री डोमेन सिस्टम। ओके, तो थ्री डोमेन सिस्टम में कितनी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होंगी? एट होंगी, और हाईएस्ट रैंक किसका होगा? डोमेन का होगा, ठीक है, डोमेन का। ओके, ये थ्री डोमेन सिस्टम किसने दिया था? कार्ल ओइज ने। कब दिया था? 1909 में। और इन्होंने लाइफ, सेलुलर लाइफ को थ्री पार्ट में डिवाइड किया था, आर्की, बैक्टीरिया और यूकैरियोट। ओके,